नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ, जो मेरी ये 21 डेज की लव 21 लव की सीरीज़ जो मैंने शुरू की है उसमें आज 8वें दिन के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग, मैं नहीं कह रही कि 100% लोग, जो लोग अभ्यास कर रहे हैं और जब उसमें वो कमेंट करते हैं, अपनी बताते हैं अपना कि मैंने क्या है और कैसा लग रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए एक भी अगर इंसान जो इससे फ़ायदा उठा सकता है, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग हों। मुझे मालूम है कि अगर एक को भी फ़ायदा हो जाता है मेरी इस एक्सपीरियंस शेयरिंग वाले 21 डेज, जी हाँ, मैं 21 डेज के टोटल अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तो आज हम 8वें दिन की जो जर्नी है उस पर बात करते हैं। मैं, हो सकता है आपकी जर्नी अलग हो, आपकी थोड़ी अलग सी रास्ता हो, कोई बात नहीं, आप शेयर कर सकते हैं कि आप कैसे फील कर रहे हैं और कहाँ कैसा हो रहा है आपके साथ। तो जैसा कि मैंने बताया, आज 8वां दिन, 8 नंबर, जैसा कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन का है, डेथ बोलते हैं पर मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन मानती हूँ। नॉर्मल मतलब हमेशा रोज़ तो कोई ऐसा होता नहीं कि मरता है, तो लेकिन ट्रांसफॉर्म होना भी एक तरह से पुरानी चीज़ों का बदलना आप में, ट्रांसफॉर्मेशन इज 8 नंबर। तो अब मैं बात करती हूँ कि 8वां नंबर, जैसा कि मिस्टेक है, बहुत जगहों पर इसको मिस्टेक कहा जाता है, चाइना में इसको बहुत अच्छा मानते हैं, हाँ, तो वेल्थ का कहीं वो मानते हैं, हाँ। तो 8वें दिन की जो मेरी जर्नी है वो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत हैपनिंग हो गया, कुछ हो गया, पर ऐसा होता है जो हमें लगता है कि नॉन हैपनिंग है, नॉन इम्पॉर्टेंट है, वो हो सकता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तो आज जब मैंने शुरू किया अपना अभ्यास और उसमें मैंने जब लेट कर, जी हाँ मैं लेट कर करती हूँ, लेट कर जब मैंने अपने शरीर को रिलैक्स कर कर सांस पर ध्यान दिया, तो कुछ भी ऐसा वो नहीं था कि मैं नोटिसेबल कहूँ ये हो गया और वो हो गया, ज़रूरी नहीं है। ये जो, तो अब मैं जब उस पर ध्यान दिया, अपनी बॉडी पर ध्यान दिया कि कहाँ कहाँ पर मुझे बहुत स्टिफनेस है, और जब मैं सांस लेती या छोड़ती हूँ, सांस को फील किया पहले, तो जब सांस को फील किया तो एहसास हुआ कि जब मैं सांस लेती या छोड़ती हूँ तो बॉडी के कुछ हिस्से मेरी उस सांस से अछूते रह जाते हैं। और मैंने जैसे अपना जहाँ पर लेटी हुई थी उस जगह को फील करने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो पूरी तरह से टच नहीं करती हैं बेड को, चाहे मैं लेटी हूँ, बिस्तर पर ही लेटी हूँ, पर मैं वो फील नहीं कर पा रही हूँ, वो हिस्से, हाँ। तो मैंने, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने फिर उसको जल्दी से फील कराया, नहीं होता, आप बस, आप नहीं फील कर रहे हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, यानी अपने शरीर में जो भी चीज़ें हैं, मन में जो चीज़ें हैं, उसको एक्सेप्ट करना, अवॉइड करना नहीं। ये जो मैं आपको, जो पूरी सीरीज़ है, इसमें ज़्यादातर एक्सेप्ट करने से ही आप ऐसा ही देखेंगे कि मतलब एक्सेप्ट करते जाइए, खुद को हैंडल करना है। हैंडल कैसे करना, बड़े प्यार से, ऐसे नहीं कि बिल्कुल रैशली ऐसे सांस यहाँ रोकना, कुछ नहीं। तो आप जब मैंने जब नाक से सांस ली और हल्के से मुंह से छोड़ी, तो मुझे बहुत सारे शरीर में ऐसा लगा, मैं कुछ भी ऐसा पर्टिकुलर मैं अनुभूति नहीं कर पाई कि मैं सोचूं। जब मैं क्रिया योग का भी अभ्यास, ये जो मेरा जो सीरीज़ है इसमें क्रिया योग भी है, इसमें हिप्नोथेरेपी भी है, इसमें मेडिटेशन भी है, और साथ कहीं जो भी चीज़ें मतलब मुझे
जो क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ तो फिजियोलॉजी एनाटॉमी वो सब आपको थोड़ा थोड़ा देखने मिलेगा। जैसा अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं अस्थमेटिक रही हूँ कई साल तक, तो मेरे लंग्स में दिक्कत रहती है, थोड़े नाजुक हैं, और जो मेरा लेफ़्ट साइड है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। तो जब मैंने लेटकर उसको फोकस किया, मतलब पूरी बॉडी पर फोकस किया, तो मैंने देखा जो लेफ़्ट पार्ट है उसमें कहीं कोई, मतलब जो होता है ना फीलिंग इन द सेंस कि ना तो वो बेड को फील कर पा रहा है, ना जब सांस लेती और छोड़ती हूँ तो वहाँ पर कुछ वो जो एरिया है वो सांस को फील नहीं कर पा रहा है। हाँ, तो क्योंकि वो वीक है तो क्या होता है, हम उसको अवॉइड करते हैं तो हम उस तरफ सांस, जहाँ दर्द होगा हम वहाँ सांस भी लेने से डरते हैं। हाँ, ये अस्थमा वाले या जिनको कहीं पे चेस्ट में पेन हो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हम सांस लेने में भी लगता है कि बहुत पेनफुल है सांस। हाँ, तो वो चीज़ मुझे, मैंने बहुत ज़्यादा महसूस करी और उसको मैं अभी सिर्फ महसूस कर रही हूँ और उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। अभी मैं उसको ये कहूँ कि मैं हील कर रही हूँ, पता नहीं कब हील होगा, लेकिन मैं उसको महसूस करना, मेरा जो है अभी जो प्रोसीजर है वो महसूस करना है। फिर उसके बाद जैसे बॉडी में मैंने महसूस किया, फिर मैंने अपनी सांस में महसूस किया, फिर मैंने ये महसूस किया, फिर मैंने अपने आप को सरेंडर करके ये कहा कि ये जो चीज़ है मेरी बॉडी में आ रही है, अगर मैं इसको फिज़िकली तरीक़ों से ठीक करने में थोड़ी कमी आ रही है तो क्यों ना इसमें, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा इमोशनल पार्ट ज़रूर इन्वॉल्व्ड है इस प्रॉब्लम में। फिर मैंने उसमें अपने आप को सरेंडर करके कि अपने ही अंदर ये कहा कि इमोशनल पार्ट जानना चाहती हूँ, क्या है, कहाँ है, कैसे, कब। हाँ, तो उसी जगह पर जब मैं शांत पूर्वक बिल्कुल उस जगह पर पहुँची और मेरा जो 8th डे था वो 2 घंटे का था, मैंने जानकर 2 घंटे का टाइमर लगाया था। जी हाँ, मैं टाइमर लगाती, मुझे वरना नहीं पता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप 5 मिनट में भी लगता है आपको 2 घंटे हो गए, और कभी आपको 3 घंटे में भी लगता है कि आपको कुछ हुआ ही नहीं कुछ टाइम में। तो मैंने सोचा क्यों ना एक टाइम इसका लगा दूँ, तो 2 घंटे का लगाया था। तो उस जर्नी पर मैं पहुँचते कि मुझे उसका इमोशनल कारण उस समय में जाना है। जी हाँ, आपका जो मन है उसमें बिल्कुल हमेशा की मेमोरीज़ रहती हैं जो आपके कॉन्शियस माइंड भूल चुका होता है, लेकिन वो आपकी मेमोरीज़ में रहता है। तो मैंने उस जर्नी पर जब चालू किया तो मुझे, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं हील हो गई फटाफट, वो जर्नी अभी मेरी शुरू है। और कि अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, कि कभी किसी चीज़ का फिज़िकली ब्लॉकेज है तो, और वो फिज़िकली सांस लेने और छोड़ने से नहीं रिलैक्स हो रहा, तो मैं उसके इमोशनल कारण जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या है ये फिज़िकली ब्लॉकेज क्यों है। तो कई बार मुझे वो जो एपिसोड हैं जो मेरी लाइफ में जो इमोशनली मुझे तकलीफ़ दे चुके हैं वो एपिसोड याद आते हैं, हालांकि मैंने खुद को बड़ा स्ट्रांगली प्रोजेक्ट करके और ऐसा बता रखा है कि आई डोंट केयर टाइप। हाँ, क्योंकि अगर आप हर जगह अपनी वीकनेस दिखाते हैं, यहाँ मैं दिखाऊंगी आपको ताकि आप मुझसे समझ सकें, तो उससे कोई, क्योंकि वो इंसान खुद किसी वीकनेस का या कहीं ना कहीं शिकार है, तो मैं अवॉइड करती हूँ। तो मैंने जब उस चीज़ को और मतलब एक्सप्लोर कर रही हूँ तो 8वां दिन जो है मेरा एक्सप्लोरेशन का ही दिन है, एक्सेप्ट करना, फील करना, पहले फील करना, एक्सेप्ट करना, एक्सप्लोर करना। आज का मेरा जो है फील, एक्सेप्ट, एक्सप्लोर,
जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी बॉडी में जो कहीं बाहर से फॉरेन एलिमेंट है। कहीं ना कहीं हम ही किसी चीज़ को फील कर गए और वो चीज़ हमारी, और ये बीमारियाँ भी यहीं से आती हैं। अस्थमा तो वैसे भी फेमस है साइकोसोमाटिक डिसऑर्डर के लिए, कि आपकी साइकोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपका सेल्स खराब हो गई। तो आज का जो मेरा 8th डे है, ऐसा बीता, आपका कैसा बीता ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप शुरू से देखें, है ना। मैं पहले इस उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि हमने शुरुआत कहाँ से करनी है। जैसे अगर आप आज की देखेंगे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा मैं क्या कह रही हूँ, पर अगर आपको सच में प्रैक्टिस करना है तो आप डे 1 को ज़रूर देखें। वहाँ से जब शुरू करेंगे तो आप ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप एक भी इंसान का अगर इससे जुड़ के कुछ अच्छा हो जाता है, मेरे लिए वही सबसे बड़े ट्रॉफी है। तब तक के लिए नमस्कार।